सुराना सेठिया हॉस्पिटल चेंबूर में आचार्य श्री महाश्रमण जी का भव्य स्वागत। जी हां, आपको बता दें कि 26 दिसंबर 2023 मंगलवार की सुबह परम पूज्य योग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी का चेंबूर स्थित सुराना सेठिया हॉस्पिटल के प्रांगण में आगमन हुआ, जहां उनका स्वागत सत्कार भव्य तरीके से किया गया। इस दौरान इस परिसर में अस्पताल के तमाम डॉक्टर और नर्स मौजूद रहे। परम पूज्य योग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के दर्शन हेतु दूर दराज से भी लोग पहुंचे थे। हॉस्पिटल के कई बड़े डॉक्टर शामिल हुए, जिसमें डॉक्टर रमेश कावर, डॉक्टर विटी शाह, डॉक्टर प्रिंस सुराना, डॉक्टर दीपेन डोले, डॉक्टर गौतम नंदकर्णी, डॉक्टर संतोष शक्ति, डॉक्टर रूपेश नायक, डॉक्टर दीपा सुराना सहित बड़ी संख्या में डॉक्टर और नर्स के साथ साथ स्थानीय लोग उपस्थित थे। बता दें कि परम पूज्य योग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के आशीर्वाद वचन को सुनने के लिए लोग आतुर और भावुक थे। आचार्य जी अपने तकरीबन 15 भक्तों के साथ अस्पताल में आए और लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ होने की बात कही। बता दें कि सुराना हॉस्पिटल में बेहद ही सस्ते दरों में इलाज किया जाता है और इसी के लिए ये हॉस्पिटल जाना जाता है। यही कारण है कि परम पूज्य योग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरण कमल इस हॉस्पिटल में पड़े। देखिए मुंबई से इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ कहा उपस्थित डॉक्टरों ने और आचार्य श्री ने लोगों को क्या संदेश दिया है। हमारे जीवन में शरीर है और आत्मा भी है, फिर साथ में वाणी भी है, मन भी है, प्रयासी प्राण जैसे अनेक चीजें हैं। शरीर उद्गलों से बना हुआ है और आत्मा चैतन्यमय होती है। शरीर में आत्मा का प्रवास निवास होता है, तो आत्मा में भी विकृतियां हो सकती हैं, होती हैं, और शरीर में भी विकृतियां हो सकती हैं। संस्कृत में जो उक्ति है, शरीरम व्याधि मंदिर, कि शरीर ये व्याधियों का, बीमारियों का घर है। कई बार अचानक कब क्या बीमारी उभर कर सामने आ जाए और आदमी अपने आप को थोड़ा असहाय सा महसूस भी कभी करने लग जाए, तब कौन मुझे संभालेगा। और बीमारी की अवस्था में डॉक्टर या चिकित्सा का उपक्रम, यह एक थोड़ा आश्वासन होता है कि बीमारी हो गई है, हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टरों को दिखाएं, इलाज कराएं और ठीक होने की कुछ आशा भी हो सकती है। तो मरीज के लिए, बीमार के लिए यह चिकित्सा का उपक्रम, फिर चिकित्सा से जुड़े हुए चिकित्सक और चिकित्सा के व्यवस्थापकगण, संचालकगण, और फिर मरीज की परिचर्या करने वाले अनेक लोगों के योग से कितने कितने लोग बीमारी हो जाने पर बीमारियों से पूर्णतया अथवा कुछ अंशों में राहत भी प्राप्त कर लेते हैं। और कहीं कहीं, क्योंकि यह आत्मा से भी कुछ जुड़ी हुई बात है, स्थिति ऐसी बन जाती है कि बाद में डॉक्टर भी एक तरह से अपने आप को ऐसा हाल कि अब आगे कोई उपाय नहीं है। तो डॉक्टर बहुत पुरुषार्थ प्रयत्न कर सकते हैं, कितनों को वे स्वास्थ्य का लाभ भी देने में निमित्त बनते होंगे, पर एक अंतिम स्थिति है, वहां डॉक्टर का भी बस नहीं चलता। जैसे मृत्यु दुनिया का नियम है, तो वो जब होनी है वहाँ डॉक्टर का पुरुषार्थ भी मानो काम नहीं करता, पर एक दिन आदमी चला जाता है। तो बीमार आदमी को यह चिकित्सा की व्यवस्था का सहयोग मिलता है, शारीरिक लाभ मिलता है और मनश्चिकित्सा में मानसिक लाभ भी मिल सकता है। हम लोग धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो यह शारीरिक चिकित्सा है, इस
इसी प्रकार या इससे कुछ मिलती जुलती आध्यात्मिक चिकित्सा भी की भी बात होती है कि शरीर में तकलीफ होने पर भी आदमी का मनोबल अगर अच्छा रहे, मानसिक समाधि चित्त में शांति रहे तो बीमारी भी ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकती, ज्यादा तकलीफ नहीं देती। अगर साथ में मनोबल कमजोर पड़ जाए, चित्त में अशांति हो जाए तो एक और तो बीमारी का प्रकोप, एक और भीतरी अशांति का प्रकोप, मनोबल का अभाव, तो आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो सकता है। धर्म और अध्यात्म के द्वारा ये एक मन आदमी का शांति में रहे और ये इमोशनल जो भावात्मक बीमारियां है, तीन प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, फिजिकल डिजीज ये जो शारीरिक बीमारियां, मेंटल डिजीज मानसिक बीमारी, और फिर इमोशनल डिजीज और घृणा द्वेष ईर्ष्या लालच आदि जो भीतर की विकृतियां हैं, ये भावात्मक बीमारियां हैं। अध्यात्म का शास्त्र है या अध्यात्म के जो साधक लोग हैं उनका मुख्य काम है इमोशनल डिजीज को ठीक करना। और बताया तो यह गया है कि शरीर की बीमारी है उसका भी मूल कारण इमोशनल डिजीज है। इमोशनल जो विकृतियां हैं उनके कारण से शरीर में भी फिर तकलीफ हो जाती है। तो जो मूल जो कारण है बीमारियों का वो हमारे चेतना में कार्मण शरीर में यानी इमोशनल वो बीमारियां है, तो कर्म है, उन कर्मों के योग से आदमी बीमार पड़ता है। इसीलिए कर्मों का प्रबल वेग है तो फिर डॉक्टर भी आते एक तरह से त्वरित हो जाता है और रोगी को उत्तर देकर के विदाई दे देता है। तो यह जो हमारे जीवन में शरीर और आत्मा है, शरीर की व्याधियों को भी दूर करना एक अपेक्षित होता है, क्योंकि आम आदमी को तो शरीर ठीक चाहिए, शरीर के आगे फिर गहरे में भावात्मक बीमारी की बात भी होती है। तो कितने ऐसे व्यक्ति ऐसे संस्थान हैं तो बीमारों की सेवा, इस सेवा की भावना ठीक है, चिकित्सा से पैसा भी मिल सकता है, चिकित्सा में सेवा की भावना है, तो ये तो सेवा की भावना और पैसे का भी थोड़ा परित्याग कि पैसा भले कम आए न आए, ये सेवा की भावना है, तो सेवा में जहाँ शुद्धता होती है वो सेवा ज्यादा एक अपने आप में एक पाप से कुछ बची हुई जा सेवा के साथ लोभ जुड़ जाता है, तो जहाँ चिकित्सा के साथ लोभ ज्यादा हो जाए तो थोड़ी चिकित्सा में अशुद्धता आ सकती है। तो चिकित्सा में अशुद्धता न आए इसलिए अनपेक्षित अवांछनीय लोभ का भाव न आए तो वो चिकित्सा में कुछ अशुद्धता से बचाव रह सकता है। इधर प्रेक्षा ध्यान योग ये चीजें कार्योत्सर्ग हैं, ये भावात्मक बीमारियों के इलाज में भी योग भूल बन सकती है, शारीरिक दृष्टि से भी कार्योत्सर्ग और ये ध्यान योग आदि आदि चीजें हैं, ये मरीज को वो और ज्यादा एक स्ट्रेंथ और ज्यादा एक शांति भी देने में सहायक बन सकती है। ये तो चिकित्सा का सारा उपक्रम है, यहाँ आना हुआ है और जितना जैसा संभव हो कि शारीरिक चिकित्सा के साथ थोड़ा ध्यान योग आदि का भी कुछ चल सके तो मरीज को वो मानसिक और भावात्मक भी शक्ति और शांति मिल सके। तो यहाँ तो मुनि रजनीश जी ने भी कई बातें बताई थी, तो हमारे साधु साथियों को भी आपकी शारीरिक तकलीफ हो जाती है तो डॉक्टरों का सहयोग, चिकित्सा व्यवस्थापकों का सहयोग भी लेना अपेक्षित हो सकता है। तो कुल मिलाकर मंगलमय है, डॉक्टर से और सारे तो पहली बार आ रहे हैं और हमको परसों ही पता चला कि ये इनके शेड्यूल में यहाँ पे पधारेंगे और ये तो बहुत अच्छा मौका रहा हमारे अस्पताल सुराना सिटी अस्पताल के लिए कि वो आके आशीर्वाद दे सब स्टाफ लोगों को, डॉक्टर्स लोगों को, और प्रेरणा दे कि जिससे और भी अच्छा काम करे, यहाँ के स्टाफ और पेशेंट्स को भी फ़ायदा हो। तो इसलिए हमने सोचा पूरे अस्पताल का स्टाफ
करीबन 500 के जितने लोग सब हाजिर रहे और उनके जो भी प्रेरणा थी वो सुने और लिए। नहीं, ये तो सिर्फ पिछले 36 घंटे में हम लोगों ने सब तैयारी की। हमारे सुराना साहब जो है डीसी सुराना साहब ट्रस्टी, उनकी बहुत इच्छा थी कि वो यहाँ पे पधारे। ये साल बम्बई में वो रहे तो उन्होंने बहुत उन्हें विनती की कि भाई किसी भी तरह आप आइए। तो आखिर में उन्होंने परसों के दिन बताया कि आज आ रहे। तो वैसे तो मानसिक तैयारी तो बिल्कुल थी सब कुछ, लेकिन सब लोगों को उन्होंने खुद सुराना साहब ने मैसेज भेजे कि आप आ जाइए, ये टाइम पे आ रहे हैं और उनकी प्रेरणा का फ़ायदा लीजिए। तो हम लोग सब आ गए डॉक्टर लोग। मैं डॉक्टर वीटी शाह हूँ, यहाँ अस्पताल से जब से अस्पताल शुरू हुआ तब से साथ में हूँ। और यहाँ के जो सर्विसेज है, यहाँ के जो हमारे ट्रीटमेंट का जो मोटो है कि भाई लोगों को अच्छी से अच्छी इलाज मिले और कम खर्चे में रहे। मेरे साथ डॉक्टर कंवर है, ये भी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है और ये भी हमारे अस्पताल में साथ में जुड़े हुए हैं जब से हमने ये अस्पताल चालू किया है। तो देखिए, ये हम कहते हैं कि इसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहते हैं, जहाँ पे स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है। जैसे हार्ट की बीमारी की हो, एंजियोग्राफी हो, एंजियोप्लास्टी हो, बाईपास ऑपरेशन हो, तो ये एक स्पेशलिटी जैसे हार्ट की है। वैसे भी नी जॉइंट रिप्लेसमेंट हो, हिप जॉइंट हो, हड्डी के जो भी स्पाइन ऑपरेशंस हो, ये स्पेशलिटी होती है। ब्रेन के ऑपरेशंस हो, ये एक स्पेशलिटी है। तो इस तरह के मरीज़ ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। बाहर बताया गया कि जो इलाज बहुत सारे रुपये में होता है, यहाँ कम से कम दर में करके, हाँ कम खर्चे में होता है। देखो, अस्पताल का जितना बड़ा अस्पताल 500 बेड 1000 बेड का हॉस्पिटल रहेगा तो उसमें मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, जबकि यहाँ पे हम लोग 7500 बेड में चलाते हैं तो हमारा मेंटेनेंस भी कम आता है। और यहाँ का जो मेन उद्देश्य है ट्रस्टी लोगों का, ये नहीं है कि भाई पैसा कमाएं इसमें से हम लोग। ये तो कोई कॉरपोरेट हॉस्पिटल नहीं है कि जहाँ पे हर साल में कितना फ़ायदा हुआ वो दिखाना पड़ता है। ये तो ट्रस्ट बोल के चलाते हैं, तो यहाँ पे वैसे फ़ायदा का जो एम रहता है वो नहीं है। मैं डॉक्टर रमेश कवाड़, कार्डियोलॉजिस्ट, सुराना ग्रुप हॉस्पिटल्स चेंबूर, मलाड और नवी मुंबई से अटैच्ड हूँ। आज का जो आचार्य श्री महाश्रमण जी, जो कि एक धर्म गुरु हैं, हमारे जैन श्वेतांबर धर्म के एक बहुत बड़े सेक्टर है, 13 पंथ सेक्टर, उनके सबसे बड़े गुरु हैं और उनकी उनका पधारने का आज कार्यक्रम था। और सुराना ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं उनके सब अनुयायी लोगों को, उनके जितने भी श्रावक लोग होते हैं सबका इलाज किया जाता है। और मोटो हॉस्पिटल का यही है कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ अवेलेबल करें और कम से कम कॉस्ट में। जो कॉस्ट बड़े हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा लगती हैं वो एक छोटे हॉस्पिटल में सेम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हुए बट एक कम कॉस्ट में प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा उपलब्धि है इस अस्पताल के लिए और इसी की वजह से आप देखेंगे कि लास्ट 15-16 साल में 17 साल में 4 हॉस्पिटल खड़े कर लिए गए हैं। और ये श्रावक लोगों का और ये जब पब्लिक का स्नेह है, उनका कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से आज ये पॉसिबल हुआ है। कि स्ट्रेस जो है एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ट्रिगरिंग फैक्टर है और इससे कई बीमारियां पैदा हो सकती है, हार्ट अटैक है, दूसरी बीमारियां, कैंसर बीमारियां हैं। सो मन की शांति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका मन शांत रहेगा तो आपको दूसरी बीमारियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जो आचार्य जी का उपदेश था कि मन की शांति अगर रहेगी तो आपको बीमारी घर नहीं करेगी, या आपको कुछ बीमारी हुई है तो मन शांत रहेगा तो वो उसका इलाज भी जल्दी से हो जाएगा। तो मैं 2010 से 53 समाज की सेवा कर रहा हूँ हेल्थ सेक्टर में, और गुरुदेव के पीछे मैं लास्ट 6 महीने से उनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमारे हॉस्पिटल में पगलिया कराओ, तो गुरुदेव ने बहुत
रिक्वेस्ट के बाद परसों मेरी जो थी रिक्वेस्ट मान ली और आज गुरुदेव बहुत पधर हैं, उनकी बहुत कृपा हुई, उन्होंने बहुत टाइम दिया और अच्छा संदेश दिया और आशीर्वाद दिया हमारे स्टाफ को, हमारे सबको। उनके स्वागत में आपका पूरा परिवार, स्टाफ, सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, सारे लोग थे, तमाम लोग बाहर से भी आए थे, तो किस तरह से क्या कुछ तैयारियाँ थी, कैसे लोग जुटे? तैयारियाँ से सबको मैसेज दिए थे हमने और गुरुदेव के साथ भी जो है स्टाफ है वो मैसेज दिए और सब लोगों को मैसेज मिला, तो चेंबूर के सब लोग हमारे साथ हैं तो सब लोग खुद चल के सब सामने से आए। और आजू बाजू के हॉस्पिटल्स भी आपके साथ दिखाई दिए यहाँ, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आजू बाजू के हॉस्पिटल ने डॉक्टर्स लोग आए हैं हमारे पे, बड़े कंसल्टेंट जो है सब आए हैं यहाँ पे, और हमारे तीन हॉस्पिटल है मराड़ में, सानपड़ा में और यहाँ पे, और तीनों हॉस्पिटल के स्टाफ भी गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए आए। गुरु जी के द्वारा जो बातें कही जाती हैं, आप लोग किस तरह स्मरण करते हैं और अपने विचारों में ढाल के तो मरीजों की सेवा करते हैं, उसके बारे में? वो हम पहले दिन से ही, हम लोग जैन हैं तो जैन प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, और यहाँ पे हम, मेरा पर्टिकुलरली, मैं कोई भी डॉक्टर को ओवर बिलिंग नहीं करने देता हूँ और कोई भी गलत ट्रीटमेंट नहीं करने देता हूँ, ये मेरा प्रिंसिपल है। अगर कोई गलत ट्रीटमेंट करता है या ओवर चार्जिंग करता है तो हम वो डॉक्टर को इधर नहीं रखते हैं। सर, कैंसर के बारे में भी आपने इलाज बताया कि कैंसर जड़ से ख़त्म हो गया। मैंने जो तीन चार साधुओं का कैंसर का ट्रीटमेंट किया वो गुरुदेव की कृपा से आज 100% स्वस्थ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कैंसर का सब ट्रीटमेंट है, जो टाटा में ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, रेडिएशन, पेट स्कैन, कोई भी मेजर सर्जरी, केमोथेरेपी, सब वर्ल्ड क्लास डॉक्टर है, और अगर इनिशियल स्टेज में कैंसर का ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो उसके क्योर होने के चांसेस 90% रहते हैं। मध्यम वर्ग के लोग होते हैं जो इस तरह के हॉस्पिटल्स को रेफर नहीं कर पाते, तो उनके लिए आपके हॉस्पिटल में किस तरह के? उनके लिए अभी जैसे हमारे यहाँ पे टाटा में गरीब पेशेंट जाते हैं, उनका वहाँ नंबर नहीं लगता है 2 महीना 3 महीना, तो टाटा हॉस्पिटल ने हमको रिक्वेस्ट किया कि आप सब्सिडाइज रेट कर दो, जैसे हमारा हॉस्पिटल का चार्ज 1 लाख है तो आप 60,000 कर दो, तो हम लोगों ने टाटा के लिए स्पेशल रेट बढ़ाई है 40% करीब डिस्काउंट दे के, तो टाटा के पेशेंट जो गरीब पेशेंट आते हैं उनको भी हम कंसेशनल रेट पे ट्रीट करते हैं। इसके अलावा क्या क्या इस हॉस्पिटल में इलाज और सुविधा? यहाँ ये हॉस्पिटल में मेनली हार्ट का, ब्रेन की सर्जरी, हार्ट की सर्जरी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, नी रिप्लेसमेंट और कोई भी जनरल सर्जरी, हर्निया, अपेंडिक्स और मेडिकल मैनेजमेंट, सब कुछ ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है। सब 500 से ज़्यादा डॉक्टर है और तीनों हॉस्पिटल में 800 से ज़्यादा स्टाफ है हमारा।